हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू अन अकेडमी डेली लाइफ सो दिस इज अभय खेड़िया एंड स्वागत है आप सभी बच्चों का केमिकल इक्वियम के लेक्चर नंबर फोर पे आज का लेक्चर बहुत काम का है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वियम कॉन्स्टेंट यस ये जो चैप्टर में पूरे दिन भर आप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग फटाफट कनेक्ट हो जाओ वीडियो को शेयर करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो उतना ही अच्छा होगा उतना ही लोगों तक जाएगा और फाइनली यार इतने लोगों तक रीच पहुँचेगी हमारी इस वीडियोज़ की जहाँ पर कंटेंट इतना शानदार आपके पास आ रहा है सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग चलिए सो so, आगे बढ़ते हैं सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जो बच्चे आज पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं आज यूट्यूब में आज पैन इंडिया के थ्रू बच्चे सो माई नेम इज़ अभय खेड़िया आई ए बी टेक ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टिल नाउ आई हैव मोर देन फोर प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैं इसके पहले जेई को बच्चे को जई और नीट की तैयारी कराता था, था फॉर केमिस्ट्री राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एन अकेडमी के मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सी बी एस सी पॉइंट ऑफ व्यू बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो सेम है भाई कॉन्सेप्ट सेम है चैप्टर सेम है थोड़ा बस लेवल ऊपर नीचे होता है जो कि हम यहाँ पर मैनेज करेंगे नो no डाउट मैं आपके लेवल में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा कुछ चीज़ें ज़्यादा स्किप नहीं करूँगा अनलेस एस एंड एंटे वो सिलेबस के बाहर न जाए ठीक है विल ट्राई बेस्ट कि हम केमिस्ट्री को फील करें समझने की कोशिश करें रटना कम से कम कोशिश करेंगे ठीक है गुड मॉर्निंग सो यस बच्चा लोग कनेक्ट हो चुके हैं आप लोग बच्चा वीडियो फटाफट वीडियो को शेयर भी करते जाओ साथ साथ में ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अनदर थिंग कि आप अन प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हैं सर क्यों ज्वाइन करें सर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन टूअर माइंड सर क्यों सर आप प्लस में तो यूट्यूब में अच्छा खासा पढ़ाई रहो सो क्लासेस हमको मिल रही हैं सभी सब्जेक्ट्स की देखो प्लस में क्या होता है ना प्लस में यू आर गेटिंग द पर्सनल अटेंशन एक आपकी पर्सनल क्वेरीज बिकॉज पढ़ते पढ़ते ना यार हमारे मन में बहुत सारे टाइप के डाउट्स आते हैं उन सभी टाइप के डाउट्स को क्लियर करनी बिकॉज पढ़ते पढ़ते सर ये टर्म का समझ में नहीं आई मीनिंग सर एक बार और ये सब चीजें प्लस में हो पाती हैं जब हमारे पास एक फेस टू फेस आप क्लास के थ्रू कनेक्ट होते हैं आप सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न इन अ अंप्लीट मैनर आपको पूरा का पूरा सीखना है पूरा डिटेल में सीखना है एक एक डाउट आपके क्लैरिफाई करने तो प्लीज यू हैव टू कम टू द प्लस प्लस में आओ सीखो कल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्लस में दैट इज थर्मो सो टुमारो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन प्लस दैट इज थर्मो डायनेमिक्स मन में कोई शंका डंका है बेटा इस चैप्टर को समझने तो प्लीज मेक श्योर आप उससे पहले ज्वाइन कर लो लाइव क्लास को अटेंड करने का मजा ही अलग है सीखने का मजा ही अलग है ठीक है प्लीज ज्वाइन मी ऑन मैं कह प्लस पूरा कंप्लीट लर्निंग होगी आपकी और यू कैन ऑप्ट फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन जो कि आपको ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का पड़ेगा जहां पे आपका ट्वेल्थ भी कवर्ड हो जाएगा ठीक है सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड ओवरऑल पर मंथ कॉस्ट आप टू लोगे कम पड़ेगी बट मेक श्योर आप यूज करें दिस कोड एके सी लाइफ जो कि आपको इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट देगा अकेडमी से बिना सोचे समझे डिस्काउंट देना है तो उस कोड को याद रखो दैट इज एके सी लाइफ ठीक है सो यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कशिश गुड मॉर्निंग बच्चा लोग गुड मॉर्निंग महिमा गुड मॉर्निंग एवरी वन बाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मजा आ रहा है आप सभी बच्चों को देख के आप लोग अपना काम करो भाई वीडियो को शेयर करो एंड डू नॉट सबको लाइक करना स्टार्ट करो ठीक है आगे बढ़ेंगे आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम पे इस चैनल को ज्वाइन कर लें दैट इज लाइफ डेली डॉट मी स्लैश चैट अन अकेडमी सी बी एस एंड ट्वेल्थ ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत काम है बिकॉज फ्रॉम दिस चैनल वी आर गोइंग अपडेटिंग यू विद नोटिफिकेशन जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं कुछ अन अकेडमी आप लोगों के लिए कुछ शानदार धांसू चीज़ें ला रहा है सो so, हम आपको इस चैनल से अपडेट करते रहेंगे सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें लाइफ डेली डॉट मी स्लैश चैट ठीक है सो so, आज के आज टेलीग्राम पर इस चैनल को तो ज्वाइन कर लो यार सभी फैकल्टीज आपको यहाँ पे अपडेट कराते रहेंगे ठीक है चला जाए सो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चा लोग अनदर थिंग बच्चों लोग की बहुत डिमांड आप लोगों की डिमांड के कारण मैं स्पेशल क्लास में जो कि अगेन इट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारी स्पेशल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपको पता होगा बस इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप में जाना पड़ेगा एंड इन दैट केस वहां पे आप मेरे को फॉलो करो यू कैन सर्च मी बाय द नेम ऑफ अभय खेड़िया ए बी एच ए वाई कौन से प्लेटफॉर्म है सी बी एस सी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में लर्निंग एप इंस्टॉल करो वहां पर कोर्स सेलेक्ट करो सी बी एस सी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ वहां पे जाइए अभय खेड़िया को सर्च करो एंड वहां पे यू कैन स्टार्ट लर्निंग दिस पर्टिकुलर न्यू चैप्टर टे सो आईने के क्लिप आप लोगों के लिए आई हैव कम विद्यू चैप्टर आईने के क्लिपियम मैं मानता हूँ इस चैप्टर को कम से कम दो बार आप पढ़ोगे तब जाके छत आगे आपको चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आएगा ये चैप्टर थोड़ा कुछ ऐसा ही है केमिकल एग्रेम का एक नेक्स्ट पार्ट है बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट केमिकल के नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ पी एच एंड पी एच के हैं एसिड्स की पी एच निकालना अलग अलग टाइप की एसिड्स की पी एच निकालना सॉल्ट्स की पी एच निकालना बेसिस की पी एच निकालना अलग ही चैप्टर है भाई ठीक है तो बच्चा लोग यू कैन ज्वाइन मी ऑन स्पेशल क्लासेस जो कि इसमें पहला सेशन हो चुका है मेरा आईनिक का आज हमारा सेकेंड सेशन है डेढ़ बजे ज्वाइन कर लेना बच्चा लोग मजा आएगा पूरा का पूरा चैप्टर शानदार तरीके से सीखेंगे अपन ठीक है चलिए लेक्चर so की तरफ चले अपन सो लेट्स कम बैक टू द लेक्चर नंबर फोर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब मैं आपको चैप्टर को रिवाइज कराऊं दो मिनट को रिविजन कराऊं आप लोगों को फटाफट अभी तक हमने क्या क्या सीखा अभी तक हमने ये देखा था मैं थोड़ा चैप्टर खोल लेता हूँ मैंने अभी तक आपको क्या क्या सिखा दिया कि अगर हमारी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन फाइनली रिचेज टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों पहुंचता है बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन तो हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन फाइनली फाइनलीक्लियम स्टेट में आना चाहती है इक्विम स्टेट में क्या हो जाता है, सर? Rate? Rate means, जिस से बना रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाता है एंड फाइनली वी से रिएक्शन द स्टेट ऑफ इक्लिबियम उस इक्वियम स्टेट में फाइनली हम क्या बोलते हैं सिस्टम का कंपोजिशन क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है वो टाइम के साथ वैरी नहीं करता ठीक है

इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन तब इक्लियम कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं के सी और अगर, अगर आप एक्टिव मास में रिएक्टेड प्रोडक्टिव एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर वी तो सो दैट इक्लियम कॉन्स्टेंट इज के पी यहां तक सबको क्लियर है और केपी के सी के बीच में घृष्टा था कि अगर आपको के पी पता है तो आप के सी निकाल सकते हैं अगर आपको के सी पता है तो आप के पी निकाल सकते हैं दैट इज के पी गोस टू के सी इन आर टी की पावर डेल्टा एन जी वॉट इज डेल्टा एन जी ट इज समेशन ऑफ 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 नंबर मोल्स प्रोडक्ट माइनस समेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रैक्टिस करिए अपने लास्ट क्लास में मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं यहां तक सबको क्लियर है बच्चा लोग बच्चा लोग यहां तक सबको क्लियर है यहां तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया था आज मैं बात करने वाला हूं आपसे इस इक्लियम कॉन्स्टेंट के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा आपको इक्लियम कॉन्स्टेंट के लिए जो कि आपके लिए बहुत काम की है पूरे चैप्टर में इसका यूज आएगा बट आपको ये पॉइंट्स अभी से क्लियर होना जरूरी है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड यूनिट्स वाला पार्ट तो छोड़ो रहने दो सो एक बार मैं आपको इसका के पी के सी का एक्सप्रेशन लिख के बता देता हूँ एक लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है मेरा अल्टीमेटली तरीका ये रहता है सर आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसको दो मिनट रिवाइज कर लो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ठीक है चलो सो so, प्लीज़ बच्चा लोग देखिए यहाँ पे ध्यान दो आपको एक रिएक्शन गिवन है टू ए गैस, गैस प्लस थ्री बी गैस प्लस सी लिक्विड गिवस डी सॉलिड प्लस फोर ई गैस तो उसमें केपी के सी में रिश्ता बताना है तो मेरे को ये पता है सर इस रिएक्शन के पहले डेल्टा एन जी निकालो डेल्टा एनजी इज नंबर ऑफ समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट ध्यान रखना सॉलिड लिक्विड हमारा एक्सप्रेशन में आता ही नहीं है सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास हम वन लेते हैं तो इसलिए हमारे केपी के सी के एक्सप्रेशन में आता ही नहीं है इसलिए डेल्टा एनजी में सॉलिड लिक्विड के मोल्स को माइनस नहीं करेंगे सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बेटा फोर माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन से गैशियस रिएक्ट स्पीशीज हैं टू प्लस थ्री ए और बी हैं कितना आ गया फोर माइनस फाइव कितना आ गया आप लोगों का बेटा ये माइनस वन देवा फोर केपी टू के सी इन टू आर टी की पावर माइनस वन हो गया आपका रिश्ता आ गया चमक गया बच्चा लोग यस वेरी गुड कनिष्क गुप्ता वेरी गुड वेरी गुड बहुत शानदार वेरी वेरी गुड कशिश सॉरी सॉरी कशिश सो वेरी गुड बच्चा लोग चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, आज के चैप्टर की, की तरफ बढ़ते हैं आप सभी बच्चे यहां पे ध्यान देंगे आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विम कॉन्स्टेंट सो क्या है इक्वियम कॉन्स्टेंट तब से हमारा इक्लियम कॉन्स्टेंट आया इट इज एक्टिव मास अ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है इक्वियम कॉन्स्टेंट कब अगर आप इक्वियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं अगर इक्लियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू तब निकालूंगा तब डिफाइन करूंगा वेन द रिएक्शन हैज रीच टू द स्टेट ऑफ इक्लिम टू अंडरस्टैंड <coughs> सही बच्चे यहां पे ध्यान दो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्म कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड ओनली वैन भाई इक्म कॉन्स्टेंट इसका एक्सप्रेशन क्या है इट इज एक्टिव मास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बट वो एक्टिव मास्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कब कब द रिएक्शन द स्टेट ऑफ इक्लिब्रियम ध्यान रखना एट टी इक्वल्स टू से मिनट्स में आपने बोला सर मैं यहाँ पेम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल निकालू तो गलत है क्या पता टी इक्वल्स टू फाइव मिनट्स में रिएक्शन मेरी स्टेट में पहुंची ही नहीं है

थ्री एच टू गैस कि टू अमोनिया गैस इसका इक्लियम कांस्टेंट हमेशा फिक्सड रहेगा चाहे रिएक्शन तुम किसी भी नंबर ऑफ मोल से स्टार्ट करो चाहे रिएक्शन हम टू मोलर से स्टार्ट करो चाहे रिएक्शन तुम ट्वेंटी मोलर टेन मोलर से स्टार्ट करो चाहे रिएक्शन तुम सला जीरो जीरो मोलर से स्टार्ट करो तुम बैकवर्ड से स्टार्ट करो इसका इक्लियम कॉन्स्टेंट का वैल्यू सेम आएगा फाइनली बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में रिएक्शन बता दिया था इक्म कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर जब तक रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक उस रिएक्शन का इक्लिम कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होगा <coughs> यहां तक क्लियर तो so, मैंने यहां पे लिखा बेटा इक्लिम कॉन्स्टेंट इज फिक्स्ड। यहां पे तीनों टाइप्स की रिएक्शंस के लिए तुम चाहे रिएक्शन को फाइव मोलर से स्टार्ट करो मैंने उसी रिएक्शन को दोबारा स्टार्ट किया टेन मोल से सर इक्लिम कॉन्स्टेंट का वैल्यू तो सेम है सर आपने ऊपर वाला निकाल के दिया ट्वेंटी so रिएक्शन के लिए 20 <coughs> point, reaction, मैं ट्वेंटी लिखूंगा ठीक है थर्ड पॉइंट एट अ गिवेन रिएक्शन रियक्शन गिवेन यूनिक वैल्यू ऑफ इक्लियम कॉन्स्टेंट ए गिवेन टेम्परेचर अल्टीमेटली मैंने आपको जो बोल दिया स्टार्टिंग में दोबारा रिपीट कर रहा हूं इक्लियम कॉन्स्टेंट की अगर रिएक्शन है अगर रिएक्शन की स्टोक्यूमेट्री चेंज नहीं हो रही है द रिएक्शन सेम लेट्स फॉर गैस गैस प्लस टू अमोनिया गैस ठीक है ना इस रिएक्शन के लिए अगर आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है तो बेटा देन इसका इक्लियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा ये भी फिक्स्ड ही रहेगा भले आप रिएक्शन में कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इक्लियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन ओनली टेम्परेचर इनफैक्ट इसको ऐसा बोलते हैं इक्लियम कॉन्स्टेंट को भोलेनाथ का अखंड वरदान प्राप्त है कि इसको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है जो हिला सकता है इज इक्म कॉन्स्टेंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होगी ठीक <coughs> है ना उसी को दोबारा एक और लैंग्वेज मिलते हुए कि तुमने सारा कंसेंट्रेशन चेंज कर, कर दिया तुमने वॉल्यूम चेंज कर दिया तुमने प्रेशर चेंज कर दिया इक्लियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी <coughs> यहां तक सबको क्लियर ठीक है ना सो so, अब उसी को अलग तरीके से बोलते बिकॉज अल्टीमेटली मेरा प्रेशर आपको फोकस नहीं है अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्म कॉन्स्टेंट चेंज हो रही है सो इट कैन बी चेंज चेंज ओनली विद द इन अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये उस रिएक्शन का इक्विम कॉन्टेंट चाहे रिएक्शन सेम है उस रिएक्शन का इक्वियम कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा या फिर या फिर आपने उस रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री चेंज कर दी अब सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बस इसी पॉइंट में फोकस कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा अब इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट अभी नेक्स्ट टू स्लाइड्स में इस चैप्टर में क्या होगा आपको क्वेश्चन में जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा इस रिएक्शन का मेरे को इक्लिम कॉन्सेंट निकालो या फिर इस रिएक्शन में आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालो फलाना डिमाग का कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा ना मेरे को इस रिएक्शन में आपको हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख के देनी पड़ेगी कि मैं कौन सी रिएक्शन का आपसे इक्वियम कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूं ये मुझे को देना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि अगर रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री अलग है तो उस रिएक्शन के लिए इक्लियम कॉन्स्टेंट अलग अलग हो जाता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में टेम्परेचर मान लीजिए सेम है बट आपने रिएक्शन जो लिख रहे हो लेटअप फॉर द सेम रिएक्शन लेट फॉर द सेम रिएक्शन एक रिएक्शन है एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस गिव्स टू अमोनिया गैस मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिखा लेट से इक्लेम कॉन्स्टेंट के है ठीक है ना अगर आपने रिएक्शन को लेट से टू से मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गई टू एंड टू गैस प्लस सिक्स एच टू गैस, गैस गिव्स फोर अमोनिया गैस अगर इस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट के है तो ध्यान रखना के वन इज नॉट इक्वल टू के टू बस ये मैं बताने वाला हूँ आपको प्रूफ करने वाला हूँ इन सभी चीजों को अपन ध्यान से देखेंगे बस अभी बच्चे इस चीजों को देख लो अच्छे से अगर रिएक्शन की डोक्यूमेंट्री चेंज

क्लियम कॉन्स्टेंट नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर सब चीजों से फर्क उसको नहीं पड़ता, फर्क पड़ता उसको से या फिर अब जिस की बात करें, उस की से कैसे अब इसको पे देखने वाले हैं। इसको कैसे अब यहां पर देखने वाले हैं सो लेट कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज वेरिएशन ऑफ इक्लिवियम कॉन्स्टेंट विथ स्टोक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन अब स्टोक्योमेट्री किस तरीके से रिएक्शन क्वेरी करती है देखो अब ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए यू हैव टू नो दिस आपको इन सभी प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है कैसे समझो बेटा कैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन है लेट से ए गिव्स बी प्लस सी उसका इतियम कांस्टेंट क्या है के वन अब मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया क्या है बी प्लस सी गिव्स ए मैं आपसे पूछ रहा हूं के वन के टू में क्या रिश्ता है इट मीन्स मैं समझो बेटा एक्सामिनेशन टाइम क्या कर रहा हूँ मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ आपसे पूछा जब रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं मैं, तो इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं क्या आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे आप चलो निकालते हैं रिश्ता निकालते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर केवन क्या होगा it is, it is वॉट इज़ के टू इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकॉज अब मेरा ये प्रोडक्ट हो गया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी मेरे को के वन के टू में रिश्ता देखना है तो मैंने क्या किया दोनों के बीच में रिश्ता देखने के लिए मैंने दोनों के वन के टू को वन और टू को मल्टीप्लाई कर दिया सो so, मैंने वन एंड टू को मल्टीप्लाई कर दिया देखो क्या आएगा के वन के टू कितना आ गया देखो ये सभी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी मल्टीप्लाई करूंगा था भाई यहाँ पे क्या है कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए है और उसमें क्या है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी देखो सभी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी ए है कैंसिल बी बी कैंसिल सी सी कैंसिल कितना आ गया वन कितना आ गया वन दे आर फोर दे आर के टू का वैल्यू में क्या बोलूंगा क्या आ गया के का वैल्यू कितना आ गया वन अपॉन के वन का वैल्यू क्या आ गया वन अपॉन के तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ फ एनी रिवर्सिबल रिएटा यस केन अपॉन के वन वेरी गुड रिशभ वेरी गुड रिशभ तो मैं क्या यह स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इफ एनी रिवर्सिबल रिए इनवर्सड स्टेटमेंट पढ़ो इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिवर्स्ड अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया तो उस रिएक्शन का इक्लियम कॉन्स्टेंट को इनवर्स कर दो क्या डेट इज के टू इक्व टू वन अपॉन के वन इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आगे जागे किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्वियम कांस्टेंट निकालने के लिए समझ में आ रहा है क्या समझ में आया क्या ये पहला ऑब्जर्वेशन ये पहला रिजल्ट आपने रिएक्शन की स्टोक्यूमेंट्री चेंज करी कैसे करी आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्लियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस

या इनके बीच में कोई रिश्ता है चलो निकालते हैं एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं के so, वन का वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ केवन का वैल्यू लिखूंगा इट इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट सो इट इज कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए ये लिखूंगा बच्चा लोग वॉट इज के टू बताइए इट इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रिस्ट टू दोकोमेट्रिक कोफिशेंट्स यहां पे क्या आ जाएगा बेटा इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो तो भाई ये कुछ ऐसा नहीं लिखा है के टू कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि के टू इक्वल टू लिखा है सर कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इस चीज को हम क्या बोलते हैं दिस कंसनट्रेशन ऑफ ए बी सी अपॉन इसको क्या बोलते हैं इसको K1 के वन के बराबर है ये चीज ये K1 के वन के बराबर है तो क्या चीज भाई दिस एम्प्लाईज के टू टू क्या बेटा

तो उसी रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट उसकी पावर हो जाएगी a गिव्स b plus c उसका इक्लेम कॉन्स्टेंट क्या था k1 आपने इस रिएक्शन को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई किया तो उस नई रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा k1 की पावर n <coughs> समझ में आया भाई मेरे पास रिएक्शन सेम है a गिव्स b plus c इसीलिए मैं इस चैप्टर में पूछ रहा था आप लोगों से यस वेरी गुड महिमा इसीलिए मैं इस चैप्टर में आप लोगों को बोल रहा था सॉरी इसीलिए इस चैप्टर में आप लोगों को बोल रहा था कि भाई अगर मैं किस पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अगर मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में किसी रिएक्शन का आपको इक्लेम कॉन्स्टेंट दे रहा हूं तो मैं आपको साथ में वो रिएक्शन लिख के दूंगा क्यों सर बिकॉज हो सकता है मैंने जो इक्लेम कॉन्स्टेंट दिया वो किसी रिएक्शन के लिए बैलेंस करके दिया जो कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की कोफिशेंट से था कोई बैलेंसिंग कोफिशियंटी भाई आपने बैलेंस किया आपने उसी रिएक्शन को लिखा तो है लेकिन उसकी कोफिशियंट बैलेंसिंग के थोड़े अलग लिखे हैं बैलेंसड रिएक्शन बट कोफिशेंट अलग लिखे हैं तो भाई वो इक्लेम कॉन्स्टेंट उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नहीं कहलाएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस चैप्टर में इसीलिए आपको जब भी किसी रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट देगा उस रिएक्शन का क्या रिएक्शन लिख के देगा भाई कि वो कौन सी स्टॉक्यूमेट्री के अकॉर्डिंग आपको इक्लेियम कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया है So, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं समराइज करूं इस प्रॉपर्टी को अगर समराइज करूं तो अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन रिएम कॉन्स्टेंट के वन है एंड इफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर एन तो इसका नया इस नई रिएक्शन का क्या रहता है वन स्क्वायर तो मैं अगर इसको मैं जनरलाइज करूं सो इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर देन उसी रिएक्शन का इक्लेम कांस्टेंट ऑल्सो रेस टू डैट पर्टिकुलर नंबर अगर आपने किसी रिएक्शन को अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उस रिएक्शन का इक्लियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इक्लियम कांस्टेंट रेस टू डैट पर्टिकुलर नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ठीक है थर्ड रिजल्ट आप लोगों के लिए रहा ये तीसरा रिजल्ट है ये तीन रिजल्ट आप लोगों को पता है तो आप अब इसके बेस्ड में जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप हैंडल कर सकते हैं तीसरा रिजल्ट क्या है आप लोगों के लिए देखो तीसरा रिजल्ट क्या है बहुत सिंपल एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा हूँ ए गिव्स बी इसका इक्लेम कॉन्स्टेंट है के वन सी गिव्स डी इसका इक्लेम कॉन्स्टेंट है के टू ए प्लस सी गिव बी प्लस डी इसका इक्लेम कॉन्सटेंट है के थ्री तो अल्टीमेटली के थ्री एक्सप्रेशन कैसे आया बेटा आपने दोनों रिएक्शन को ऐड किया आपने के वन के टू को ऐड किया आपने दोनों रिएक्शन को ऐड किया के वन के टू को ऐड नहीं किया आपने वन एंड टू वाली रिएक्शन को ऐड किया वन एंड टू को ऐड किया तो आपको थर्ड रिएक्शन आ रही है इट मीन्स मेरा सवाल क्या है आपसे कि अगर रिएक्शन को ऐड करते हो तो इक्लेम कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है क्या के थ्री के वन के टू से कोई रिलेटेड है भाई मैंने ए और बी फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को ऐड किया है ना तो मैंने फर्स्ट और रिएक्शन को ऐड किया है इट मीन्स क्या जब मैं रिएक्शन को ऐड करता हूँ तो इक्लेम कॉन्स्टेंट में क्या फर्क पड़ता है ये देखना है ध्यान रखना तो रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं तो इम कांस्टेंट ऐड नहीं होते ये यह थर्मोडाइने थर्मोडाइनमिक्स लॉ था मेरे पास थर्मोकेमिस्ट्री में सॉरी हैश लॉ था कि जब तुम रिएक्शन को ऐड करते हो द रिएक्शन कैन बी ट्रीटेड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन तो, तो मैंने रिएक्शन इज एडेड सेम मैनर पर आप डेल्टा एच को भी ऐड करोगे ये मेरा आपको थर्मोकेमिस्ट्री में बताया था ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर है सॉल्व करके निकालो सॉल्व करके निकालो क्या आएगा चलो सर ट्राई करते हैं के वन का एक्सप्रेशन निकालो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए के टू का एक्सप्रेशन निकालो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी के थ्री का एक्सप्रेशन निकालो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी यही है थ्री यही थ्री मैं बार अपने आप को हाइड कर लूं आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू सी क्या इसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो सर बी अपॉन ए कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू के टू क्या ये मैं बोल सकता हूं आगे जाके स्टेटमेंट दे सकता हूं क्या मैं जाके स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इफ द रिएक्शन आर एडेड अगर आपने दो कैसी रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड किया तो जो नई रिएक्शन बनेगी ना उस रिएक्शन का इक्लेम कांस्टेंट, दोनों रिएक्शन का इक्लेम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको K3 इक्वल्स टू के वन इन के टू वेरी गुड महिमा तो मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं क्या कि इफ द रिएक्शन इज एडेड अगर आपने रिएक्शन को एड किया देन देयर इक्लेम कॉन्स्टेंट आर मल्टीप्लाइड बस उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में नीचे मैंने नेक्स्ट में इफ द एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ एनी टू रिवर्सिबल रिएन देअर इक्म कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइड मैंने ए और रिएक्शन बी थी के वन के टू था दोनों को एड किया तो नई रिएक्शन क्या बनी ये वाली इसका इक्लेम कॉन्सटेंट क्या के थ्री तो के थ्री इक्वल्स टू के वन इंटू के टू हो रहा है ध्यान रखने अगर आपने रिएक्शन को एड किया देन यम कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड यहां तक सबको क्लियर है यहां तक सही बच्चों को क्लियर है बस अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है मैंने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आपको समराइज़ कर दिया है सही बच्चे इन प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ किया देखो क्या इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया देन देयर इक्लेम कैम कॉन्स्टेंट इज इनवर्स्ड दैट इज के डैश कितना हो जाएगा वन अपॉन के के डैश कितना हो जाएगा वन अपॉन के आपने अगर रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो नई रिएक्शन बनेगी इसको अलग पेंस लिखते हैं तो जो नई रिएक्शन बनेगी k' उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर अगर आपने रिएक्शन किसी नंबर k' कितना हो जाएगा नई रिएक्शन का एक्सप्लेन को थोड़ा साफ सुथरा लिख दो विजिबल है कि नहीं k' k की पावर n और अगर आपने किसी रिएक्शन को ऐड किया

गिवन दैट कि मैं आपको कुछ कुछ रिएक्शन का इक्लेम कॉन्सटेंट दू इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यह आपके सामने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है एक बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है एक रिएक्शन है ए गिव्स बी उसका इक्लेम कॉन्सटेंट है के वन दूसरी रिएक्शन है टू सी D डी उसका इक्लेम कॉन्सेंट है के टू तीसरी रिएक्शन है C gives 2F उसका टू एफ उसका इक्लेम क्वेश्चन इक्लेम कॉन्सेंट के तो ये आपको नोन है गौन्सेंट गौन्सेंट नोन।, ये question में आपको नोन है

तो उन दो रिएक्शन का नई रिएक्शन का इक्लिम कॉन्सेंट क्या होगा उन दोनों रिएक्शन के इक्लिम रियक्शन को मल्टीप्लाई करना है क्लियर है चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर आपके पास ये तीन रिएक्शंस का इक्लिम कॉन्टेंट गिवन के वन के टू के थ्री आर नोन अब वैल्यूज नहीं बस हम एक्सप्रेशन के टर्म पर निकालेंगे आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन ये रहा फाइंड द इक्लिम कॉन्सटेंट गिव्स टू एफ गिव थ्री टू एफ गिव थ्री कैसे आएगा बेटा जो थर्ड वाली रिएक्शन इसको रिवर्स करना रहेगा ना इस थर्ड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो आपको वाली रिएक्शन मिल जाएगी तो भाई जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्लेम कांस्टेंट क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है बताया था तो बेटा इसका रीजन क्या है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड इफ द रिएक्शन इज देन देम कांस्टेंट क्या हो जाता है आपका इनवर्स हो जाता है इनवर्स मतलब वन अपॉन हो जाता है थर्ड फर्स्ट रिएक्शन का हो गया सेकेंड रिएक्शन देखो आपको थ्री प्लस डू डी फोर टू एफ प्लस टू डी थ्री 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 साइड में इस से कोई फर्क नहीं रिएक्शन आपके रिएक्शन को ऐड करके आएगा इन रिएक्शन को ऐड करके आएगा चलो मैं रिएक्शन को पीछे क्वेश्चन की फॉर्म फिर से लिख रहा हूं ना क्वेश्चन क्या आगे मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन आपको किस रिएक्शन का पूछा आपसे थ्री ई प्लस टू डी थ्री ई प्लस टू डी गिव्स टू एफ प्लस फोर सी आपसे इस रिएक्शन का इक्लेम कांस्टेंट पूछा गया है देखो बेटा कैसे आएगा सर थ्री गिव्स टू डी इट मीन्स ये रिएक्शन तो सर इधर ही आएगा थ्री आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें तो कुछ ही नहीं करना आपको टू डी चाहिए इट मीन्स आपको इस रिएक्शन को पहले और टू डी लेफ्ट हैंड साइड चाहिए रिएक्टेंट साइड चाहिए तो पहले आप इस रिएक्शन को रिवर्स करो आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा D गिव्स टू C इस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्सेंट क्या हो गया वन अपॉन के टू इस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्सेंट क्या होगा आपको टू डी चाहिए बेटा 2D चाहिए तो आप रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई भी कर दो रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई क्या हो गया टू डी गिव्स फोर सी जब रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्लियम कॉन्स्टेंट क्या होगा उसकी पावर हो जाएगा इस रिएक्शन का का कितना हो जाएगा अपॉन स्क्वायर हाँ, सर अब आपको क्या करना है अब आपको ये फर्स्ट रिएक्शन और ये सेकेंड रिएक्शन को ऐड कर दो ऐड वन एंड टू ऐड वन एंड टू देखो वन एंड टू को ऐड करो बिकॉज आपको थ्री भी मिल गया आपको टू डी मिल गया रिएक्टेंट साइड आपको थ्री मिल गया टू डी मिल गया इट मीन्स आपको रिएक्शन नंबर वन ओ सॉरी वन एंड टू जो मार्किंग की है दोनों को एड करना है एड कर दो बेटा तो थ्री ई प्लस टू डी सॉरी इस रिएक्शन को एड नहीं करना ये रिएक्शन नंबर वन है सॉरी सॉरी दिस इज योर रिएक्शन नंबर वन और ये आपकी रिएक्शन नंबर टू सो आपने वन एंड टू को ऐड किया भाई आपने रिएक्शन को पहले थ्री प्लस टू डी बनाया तो थ्री ई प्लस टू डी कितना आ गया आपका It is 2F 4C. और जब मैं रिएक्शन को ऐड करता हूं तो इक्वियम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं सो ये कितना के थ्री इंटू वन अपॉन के टू का आगे आंसर के थ्री इंटू वन अपॉन के टू का स्क्वायर यह आगे आपका नई रिएक्शन का इक्वियम कॉन्स्टेंट जब आपने अब आपने कैसे किया बेटा आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपने उस रिएक्शन को इन गिवेन डेटा की मदद से एक्ष... डराइव किया बनाया उस इक्वेशन को कैसे बनाया मैंने मेरे पास तीन फंडे थे रिएक्शन को बनाने के मेरे पास तीन फंडे थे रिएक्शन को बनाने के या तो रिएक्शन को मैं ऐड कर सकता था या तो रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता था और या तो रिएक्शन को रिवर्स कर सकता था उल्टा लिख सकता था मैं और तीनों के बीच में मेरे को रिजल्ट पता है कि रिएक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस नई रिएक्शन का इक्वियम कॉन्स्टेंट क्या होगा बस मैंने क्या किया आपने जो गिवन रिएक्शन पूछी गिवन जो रिएक्शन आपने पूछी उन तीनों को इन तीनों रिएक्शन की मदद से मैंने डराइव कर लिया समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं भाई अपन समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यार अब प्लीज ट्राई टू तो अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है फिर से रिपीट करता हूं बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलो एक क्वेश्चन की सॉल्व और करते हैं थर्ड क्वेश्चन बचा है आप लोगों का ये रहा थर्ड क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन ठीक है ना एक पेज ऐड कर लेता हूं चलो एक पेज ऐड करो एड पेज आफ्टर ये पेज को ऐड कर लेते हैं चलो थर्ड क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया था आपसे क्या पूछा है थ्री ए प्लस टू सी चलो निकालो फिर मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड दूंगा आपसे पूछा है थ्री ए प्लस टू सी प्लस फोर एफ फोर एफ गिव्स थ्री बी प्लस और किसका पूछा है प्लस डी प्लस सिक्स सी डी प्लस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्सटेंट पूछा है चलो थ्री चमक गया होगा बेटा थ्री ए चाहिए आपको रियक्टेंट थ्री ए चाहिए सर ऑब्वियसली इस रिएक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो मेरे को थ्री ए चाहिए लेफ्ट हैंड साइड थ्री ए चाहिए लेफ्ट हैंड साइड तो सर ये रिएक्शन में गिव्स गिव्स का पता है चाहिए तो मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बेटा थ्री ए तो इस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई समीप्लाई किया था सेकेंड टू सी आपको लेफ्ट हैंड साइड टू सी चाहिए राइट हैंड साइड डी चाहिए so, आपको टू सी गिफ्ट डी इस रिएक्शन में आपको कोई चेंज नहीं करना टू सी गिफ्ट डी आपको इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करना बिकॉज रियक्ट साइड आपको टू सी चाहिए था राइट राइट हैंड साइड आपको डी चाहिए तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन तो एज इट इज है तो टू सी गिव दी इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं किया तो इस रिएक्शन का क्या है टू थर्ड रिएक्शन है आपको फोर एफ दिया आएगा यार फोर एफ कैसे आएगा सब पहले इस रिएक्शन को रिवर्स करो और टू से मल्टीप्लाई कर दो इस रिएक्शन को रिवर्स करो अगर इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्लेम कॉन्सटेंट क्या हो जाएगा वन अपॉन के थ्री सुनना बेटा इक्लेम कॉन्सटेंट क्या हो गया वन अपॉन के थ्री साथ ही साथ मेरे को फोर एफ चाहिए तो मैंने रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई भी किया तो क्या हो जाएगा वन अपॉन के थ्री का स्क्वायर तो भाई अगर ये फोर एफ गिव सिक्स ई है तो इसका इक्म कॉन्सेंट क्या हो जाएगा वन अपॉन के थ्री का स्क्वायर आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों को फील कराने में ठीक है देखिए मेरे को जो ऊपर वाली गिवन रिक्वायर्ड रिएक्शन थी उस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिएक्शन को मैंने इन गिवन रिएक्शन की मदद से डराइव किया तीन ऑपरेशन लगाए बार बार रिपीट कर रहा हूँ या तो रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस नई रिएक्शन का उसी रिएक्शन की नई रिएक्शन के क्लेम कॉन्स्टेंट को डैट के की पावर एन कर दे रहा हूँ रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ रिवर्स करता हूँ तो इक्लेम कांस्टेंट इन्वर्स हो जाता है डैट इज़ वन अपॉन के हो जाता है और अब रिएक्शन को ऐड करता हूँ अब मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूंगा ऐड so, कर दूंगा तो मेरे को जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो मिल जाएंगी कौन कौन सी रिएक्शन है दैट इज थ्री ए प्लस टू सी प्लस फोर डी इज इन इक्म विथ थ्री बी प्लस डी प्लस सी और ऑब्वियस जब आप रिएक्शन को ऐड करते हैं तो आपका जो इक्लियम कॉन्स्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है सो so, ये हो जाएगा आपका के वन का क्यूब इंटू के टू अपॉन के थ्री का स्क्वायर ये रहा आपका आंसर मे भर अपने को हाइट कर लो आप लोग देख लो अच्छे से आंसर को जस्ट लुक एट द आंसर मैंने रिएक्शन को ऐड किया सर क्यों ऐड कर रहे हो बिकॉज जो मेरे को रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो मेरे को ड्राइव तो करनी है ड्राइव कैसे किया मैंने गिवेन रिएक्शन हुए अकड़म तकड़म लगाई जस्ट एक जस्ट एक कॉन्प्ट किया मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाए और उनसेप्ट को लगा लगाकर मैंने रिएक्शन को ऐड कर दिया और फाइनली जो गिवन रिएक्शन जो रिक्वायर्ड रिएक्शन थी मैंने बना ली तो रिएक्शन के मल्टीप्लाई कर लिया तो सॉरी रिएक्शन को ऐड किया तो क्लेम कॉन्सटेंट को मल्टीप्लाई कर दिया सर आपने क्लियर सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अपन फटाफट फिर इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्लेम कॉन्स्टेंट के एप्लीकेशन एप्लीकेशन मीन्स अगर आपको किसी रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट पता है तो किस किस टाइप के आपसे सवाल पूछ सकता है अब मैं न्यूमेरिकल पे चैप्टर में घुस चुका हूं मिस चैप्टर के न्यूमेरिकल सेक्शन में एंटर कर चुका हूं वो आपसे पूछा जा सकता है ठीक है लास्ट रिएक्शन आपसे पूछते हैं आपको एक रिएक्शन क्या रखिए एन टू प्लस थ्री एच टू एन टू प्लस थ्री एच टू गि टू अमोनिया इसका इक्लेम कॉन्सटेंट गिवन आपको फोर हंड्रेड एन टू प्लस टू एच टू गि एन टू एच फोर इसका इक्लेम कॉन्सटेंट गिवेन आपको ट्वेंटी फाइव आपसे पूछा गया प्लस एच टू गि अमोनिया ऑब्जर्वेश टू अमोनिया आपको राइट हैंड साइड चाहिए टू अमोनिया आपको राइट हैंड साइड है कुछ नहीं करना आपको भैया अल्टीमेटली अगर, अगर आप अल्टीम्स आप पहली वाली रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करोगे बिकॉज आपको टू मोल्स ऑफ अमोनिया राइट हैंड साइड चाहिए इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड है ही और टू मोल्स ही है तो आपको इस रिएक्शन को कुछ नहीं करना आपको एन टू एच फोर लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो आपको लग रहा होगा सर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो आई थिंक मेरा काम चल जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी एन टू एच फोर के कितने कोफिशियंट है वन इस रिएक्शन में जो पूछा है इसमें भी कोफिशेंट कितना है वन इट मीन्स इस रिएक्शन को क्या करना है आपको रिवर्स करना है एक बार रिवर्स करके देख लो तो मैंने इस रिएक्शन के को, इसको रिवर्स किया रिवर्स दिस रिए रिएक्शन तो क्या बन गए प्लस टू एच टू अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया तो भाई इस नई रिएक्शन का हो जाएगा वन अंट ट्वेंटी फाइव भाई साहब कॉन्सेप्ट लगा दिया सर आपने यस आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्लियम कॉन्सटेंट क्या हो गया इनवर्स हो गया मैंने लगा दिया कॉन्सेप्ट ट्वेंटी फाइव अब देखो आपको कुछ नहीं करना बेटा आपने क्या देखा आपने जो अनकॉमन स्पीशीज थी अमोनिया और एन टू एच फोर इसको देख के आपको आइडिया मिल गया सर इस रिएक्शन को तो कुछ नहीं करना और इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो कोफिशियंट भी वन चाहिए तो उसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई मत करो और आई थिंक दोनों रिएक्शन को ऐड करने से काम चल जाएगा दोनों ऊपर रिएक्शन क्या है दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो देखो ऐड करूंगा तो ये एन टू एन टू कैंसिल एच टू है टू एच टू तो बेटा ये टू एच टू में से एक एच टू गया दो एच टू गए बच्चे एक एच टू तो रिएक्शन क्या बन गई देखो आपकी रिएक्शन बन गई एन टू एच फोर प्लस एच टू गिव टू अमोनिया इसी रिएक्शन का पूछा है और जब मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ सॉरी एड सॉरी सॉरी जब रिएक्शन को एड करता हूँ तो इक्लेम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं सर इक्लेम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो एक रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट ट्वेंटी फाइव नहीं बेटा वन अपॉन ट्वेंटी फाइव है भाई मैंने रिएक्शन को जो ऐड किया है उसका इक्लेम कॉन्सेंट वन ट्वेंटी फाइव हो चुका है सो so, अब नई रिएक्शन का इक्लेम कॉन्सेंट क्या होगा जब मैंने रिएक्शन को ऐड किया तो इक्लेम कॉन्सेंट मल्टीप्लाई तो देव इस नई रिएक्शन का जो पूछा आपसे इक्लेम कॉन्सेंट क्या हो जाएगा बेटा फोर हंड्रेड इंटू वन पॉइंट ट्वेंटी करके आंसर आ जाएगा ठीक है ट्वेंटी फाइव फाइव जब फाइव फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर्टी सो फाइव हंड्रेड फाइव फाइव थर्टी देखो so, के कितना आ गया सिक्सटीन द करेक्ट आंसर है सिक्सटीन ठीक है मैं एक बार अपने आपको हाइड कर लूँ एक बार आप लोग देख लें बोर्ड को देख लो अच्छे से ठीक है ना सॉरी विजिबल नहीं लग रहा मेरे को लग रहा है बोर्ड में यहां पे कट रहा है ठीक है ना इसको सॉल्व करोगे तो सिक्सटीन आ रहा है दिस इज योर आंसर सो आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है ठीक है ना आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब में चैट में बिजी हैं ठीक है ना बट स्टिल आई वॉन्ट आप लोगों का अगर मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर तो, तो मैं आपको बताऊँ भैया ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है अब आप, आपका सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार में कि आप नवंबर फर्स्ट वीक में आ चुके हो दो से तीन महीने आपके पास बचा है कि जहाँ पे आपको चैप्टर्स को पढ़ना भी है रिवाइज भी करना है बहुत अच्छे से कि एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जहाँ अब आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि अब हमको वेस्ट करना है अपना टाइम अब आपको पूरा टाइम आपका फोकस होना चाहिए आपकी पढ़ाई में आपकी स्टडीज़ में आपके अकेडमिक्स में जितना अभी आपने टाइम वेस्ट किया दैट इज़ ओके बट वो भी ओके okay नहीं है बट स्टिल अब ये टाइम ऐसा है कि आपको लिटरली अब आपको पूरा का पूरा टाइम आपको पढ़ाई करना है ठीक है ना सो प्लीज़ एवरी वन स्टार्ट फोकसिंग ऑन एयर स्टडीज ठीक है अच्छे से पढ़ो मेहनत करो चैप्टर्स को फटाफट निपटाओ ठीक है ना कल की क्लास में मैं पूरा का पूरा चैप्टर अब न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड में आ जाऊँगा सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड कल से हम न्यूमेरिकल्स में पूरा एंटर कर जाएंगे इस चैप्टर के आज भी हम न्यूमेरिकल्स में एंटर कर चुके हैं ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपका इस चैप्टर से बनता है सॉरी इस चैप्टर से आपका बनता है ठीक है ना सो so, मैं अगर आपका कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते चलूँ तो एक बार मैं रिवाइज करके रिएक्शन को फिर मैं आपको यहाँ से चलता हूँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्म कॉन्स्टेंट जो कि मैंने आपको ये बताया कि इक्लेम कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर्स अदर देन टेम्परेचर अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज किया तब उस नहीं उस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट वेरी कर जाएगा साथ ही साथ अगर आपने रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री चेंज कर दी अब स्टोक्योमेट्री चेंज करना इट इटमीन्स आपने रिएक्शन ही चेंज कर दी तो यस अगर आपने रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री चेंज करी तो भी रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट चेंज होता है बिकॉज टोक्योमेट्री चेंज करना है इट मीन्स यू हैव चेंज द रिएक्शन और वहां पे जो रिएक्शन चेंज करती है वो चेंज करती है तीन फंडे से ये तीनों फंडे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने उसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया तो उस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा इज इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन के पता होना चाहिए अगर आपने रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को तो उस नई रिएक्शन का पर्टिकुलर नंबर ठीक है ना <coughs> यहां तक सबको क्लियर है सर ट्वेल्थ सेशन कब स्टार्ट करिएगा ट्वेल्थ सेशन बेटा ट्वेल्थ के सेशन बेटा टाइम है ठीक है ना और ट्वेल्थ भी हमारी स्टार्ट होगी बट मे बी आफ्टर फेब और मार्च जब आपका इलेवेंथ का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो आई थिंक आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थर्ड वाली ध्यान रखना कि रिएक्शन को ऐड करते हैं तो ईकेएम कॉन्स्टेंट ऐड नहीं होते मल्टीप्लाई होते हैं प्रूफ हमने कर लिया बट आपको रिजल्ट को भी याद रखना है ठीक है ना और उसकी मदद से आप किसी भी रिएक्शन का आपको गिवन रिएक्शन की मदद से आप किसी भी नई रिएक्शन का इकेएम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं ये दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए इन क्वेश्चन को आप दोबारा अटैम्प करना और कुछ नया क्वेश्चन आपको एन में इसको अटैप्ट जरूर करेंगे प्रैक्टिस जरूर करेंगे ठीक है ना नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ इक्लेम कॉन्स्टेंट सो एप्लीकेशन मतलब अल्टीमेटली अगर आपको क्वेश्चन में इलेम कॉन्टेंट गिवन है तो आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है क्या क्या पूछ सकता है वो बात की हम बात करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्लेम कॉन्स्टेंट जिसमें पहला एप्लीकेशन है प्रडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये सर ये क्या है बस हिंट दे रहा आपको प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या रहेगा आपको कि भाई आपको रिएक्शन पता है उस रिएक्शन का मैंने आपको बोला कि भाई जा सिस्टम इस रिएक्शन की कंपोजिशन लेके आ और बता क्या ये रिएक्शन इक्लेम पर पहुंच गई कि नहीं पहुंची क्या ये रिएक्शन इक्लेम पर पहुंची कि नहीं पहुंची ये पार्ट आप मेरे को बता सकते हो अगर मेरे को उस रिएक्शन का इक्लेम कॉन्सेंट पता है भाई लैब में एक रिएक्शन हमने ने स्टार्ट करी हमने रिएक्शन स्टार्ट करी मैंने आपको बोला बेटा जाओ मेरे को बताओ कि रिएक्शन अभी इक्लेम स्टेट में पहुंची कि नहीं पहुंची या फिर नहीं पहुंची तो रिएक्शन अभी कहाँ भाग रही है सो दैट इट कैन रिएक्ट रीच टू इक्लेवियम दैट इज प्रडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्रिएशन अभी कहां जा रही है रिएक्शन की टेंडेंसी किस तरफ है फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है या फिर रिएक्शन इक्लेम पे पहुंच चुकी है ठीक है और दूसरा रहेगा कि आपसे इक्लियरम पे आने पर जब रिएक्शन इक्लेम पहुंचेगी तो हर एक स्पीसीज का इक्वियम कंसंट्रेशन क्या रहेगा ये आपसे पूछ सकता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इक्लियरम कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन जब रिएक्शन इक्लियम पे पहुंचेगी तो हर एक स्पीशीज का कंसंट्रेशन क्या रहेगा आपसे पूछ सकता है गिवन गिवन दैट कि उस सामने वाले ने आपको क्वेश्चन में उसका कांस्टेंट है ठीक है चलिए सो आज की क्लास अपन यही कंप्लीट करते हैं कल की क्लास में आज इन दोनों टॉपिक्स को अपन स्टार्ट करेंगे ठीक है ये पार्ट पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड और दिस इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट

कि भाई हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम की स्पेशल क्लासेस चल रही आयनिक इक्विलिब्रियम इसी चैप्टर का सब टॉपिक है बट इसको मैं अलग टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम जो हम एग्जाम्स में यूज करते हैं एनसीईआरटी में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ही पढ़ाया हुआ है बट इसको हम अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम ये मैंने स्पेशल क्लास में बच्चों को पहले ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया यू कैन ऑल्सो जॉइन ऑन स्पेशल क्लास ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आप लोगों के लिए ठीक है ना आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ये डेढ़ बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में अन अकेडमी की वेब लर्निंग ऐप में इंस्टॉल करो जस्ट फॉलो मी ओवर देयर अभ्य सर्च करो आपको मैं मिल जाऊंगा और हमारे सेशन को आप कंटिन्यू कर पाओगे ठीक है so, सो डेढ़ बजे ज्वाइन मी देयर सो दिस आर द टाइमिंग्स फॉर आर यूट्यूब चैनल जहां पर रोज मैं आपको ग्यारह बजे मिलूंगा बच्चा लोग ग्यारह बजे इलेवन ए एम डेली फॉर केमिस्ट्री ठीक है ना सिलेबस बहुत सारा पढ़ना है सो so आप लोगों को भी स्पीड मेंटेन करो मैं भी अपनी स्पीड को स्टार्ट करूंगा मेंटेन करूंगा कि सो so दैट हम पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें बाय द एंड ऑफ दिस जनवरी ठीक है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का टाइमिंग है सो अनदर थिंग अन अकेडमी हैज़ ऑलरेडीड अन अकेडमी एक नया फीचर एड किया आपके सब्सक्रिप्शन में जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो वॉट यू अंडरस्टैंड बिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वंस यू यूज दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको एक पर्सनल मेंटल एलोकेट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दी अनअकेडमी जो आपको आपके राह से आप जो भटक जाते हो आपको चीजें समझ में नहीं आती हम क्या करें सर इतना सारा बच्चा है कैसे पढ़ें एक टाइम होता है जिस जिसमें स्टूडेंट्स काफी फंस जाते हैं एंड दैट डैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपको चाहिए होता है गाइडेंस जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट part का एक्सपीरियंसड बाई जो बहुत सारे बच्चों को हैंडल कर रहा है जो आपको उस समय शायद तक कुछ ना कुछ एक अच्छा गाइडेंस दे दे कि भाई किस तरीके से पढ़ाई करेगा तो शायद तक तेरे को ऐसा सपोर्ट मिल जाए सो दैट इज वॉट वी हैव एडेड एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां को पर्सनल मेंटर एलोकेट होगा वो इज गोइंग टू गाइड यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक आपकी लर्निंग चल रही है टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेगा आपको प्रमोट करते रहेगा आपको सपोर्ट करते रहेगा यू हैव लाइफ डॉल्विंग सेशन आपको एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन्स मिलेंगे आपके पर्सनल डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपकी वीकली रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वीकली रिपोर्ट्स इन द सेंस दैट कि आपको हर वीक आपका परफॉर्मेंस कैसा है आपने कितने सेशंस को कंप्लीट किया आपने कितने सेशंस को मिस कर दिया आपने जो आप प्लान कर रखे थे वो आपको रिपोर्ट एनालिसिस होगी आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन होगा जस्ट जस्ट हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स साथ कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड सम हाउ इट इज़ गोइंग टू बी टू वे कम्युनिकेशन कि भाई आपके पेरेंट्स बता रहे हैं सर मेरे बच्चे में ये दिक्कत है चलो भाई इसको ऐसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊँगा सर आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हमारी बात होगी सर आपके बच्चे को आपको इस तरीके से पढ़ने बैठाना है टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टडी प्लानर एंड ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ प्लस ये एक आइकोनिक सब्सक्रिप्शन आई थिंक आप लोगों को लेना चाहिए बिकॉज आप दूर बैठे हैं आपके साथ एक कोई पर्सनल आपके साथ एक अटैचमेंट चाहिए एक टीचर चाहिए एडुकेटर चाहिए जो आपको इन सब चीज़ों को गाइडेंस करे सो आई थिंक यू कैन यू शुड ऑप्ट फॉर दिस आइकोनिक सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज दिस कोड ए के सी लाइफ ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है अन अकेडमी आपको इसमें भी दस परसेंट डिस्काउंट देता है एंड यू कैन यूज़ दिस कोड ए के सी लाइफ ठीक है एंड ऑल्सो वी हैव कम विद एन क्रिएटिव कॉर्नर सो वॉट इज़ क्रिएटिव कॉर्नर आपके अकेडमिक्स के साथ साथ आपके जो एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट होते हैं ना आपके जो यू नो हॉबीज़ होती हैं उन हॉबीज़ को भी आपको मेच्योर करने के लिए हो तो ना एकदम डेवलप करने के लिए आपके लिए एक अन अकेडमी एज़ कम विद अ क्रिएटिव कॉर्नर जहाँ हर मंथ आप लोगों लो लो के सेशन्स होते हैं उन सेशन्स को आप अटेंड कर सकते हो अपने ऐसे नहीं कि सारे सेशन्स को अटेंड करना है आपको जो लगता है सर हाँ ये मेरे बहुत काम का है ये मेरे स्किल्स को और इम्प्रूव करेगा मेरी फेस वैल्यू बढ़ाएगा तो प्लीज़

थिंग्स दैट कम्स इन ट्योर माइंड एज सर हम प्लस क्यों ज्वाइन करें मैं प्लस का बेनिफिट आपको आई थिंक आज यूट्यूब में सेशन्स से में फील होना चाहिए सर हम यूट्यूब में क्लास आपके साथ अटेंड करते हैं बट अल्टीमेटली आप हमारे डाउट्स को पर्सनल क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज यूट्यूब में देख रहा हूँ आप मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो भी अन अनवॉन्टेड चैट्स बहुत चल रही हैं ठीक है सो आई थिंक अगर आपको एक कनेक्ट होना है हमारे एडुकेटर के साथ आपको लाइव क्लासेस में अटेंड करना है एंड यू हैव टू लर्न ओनली एकेडमिक्स की बातें करनी है सो यस यू कैन ज्वाइन मी ऑन लाइव क्लासेस ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जिसको हम क्लस बोलते हैं यू कैन इंटरेक्ट विद द एडिकेटर्स आप एडिकेटर्स से इंटरेक्ट करो बातें करो सीखो डाउट्स पूछो ये क्लास में आपके पास एक फैसिलिटी है पूछने का एंड यू हैव ऑल्सो लाइफ डाउट सिल्विंग सेशन कि सर आपको क्लास में ही आपको अथॉरिटी है कि आप डाउट्स को पूछ सकते हो बहुत सारे तरीके हैं डाउट पूछने के फोटो खींच के लिया सवाल को लिख लो बेस्ट है क्या फोटो खींच ले आओ सवाल क्लास में घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं समझ में आए स्नैप शॉट लिया क्लास में पूछ लिया ठीक है ना एंड क्लास में हमारी लाइफ पोल्स हमारी क्लास में हमारी रैंक क्रिएट होने लगती है भाई साहब रैंक हमारे हर दिन क्लास में रैंक क्रिएट होने लगती है एंड यू हैव टेस्ट सीरीज सो बेसिकली कंप्लीट लर्निंग होती है हमारे किस में प्लस में जो एक क्लासरूम वाली फीलिंग हमको नहीं मिल पा रही है हम घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्लासरूम वाला फीलिंग आपको प्लस में अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है एंड द बेस्ट पार्ट वहाँ भी लाइफ डाउट लाइफ क्लारिंग लाइव क्लासेस हैं सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं आपके ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बैच बायोलॉजी कवर्ड है इंग्लिश भी पढ़ाने वाले एडिकेटर्स कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाने वाले एडुकेटर्स हैं फिजिकल एडुकेशन पढ़ाने वाले एडूकटर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स आपके अन अकेडमी के प्लस में कवर्ड हैं सभी एडुकेटर्स अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं आपको लगा कि यार ये चैप्टर मेरे को पढ़ना है अब ऐसा नहीं पढ़ा है चल भाई दूसरे एडुकेटर्स का एक छोटा देखा पढ़ा नोट बनाया मस्त पढ़ाई शुरू कर ली ठीक है सो कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स आर वर्किंग विद अन अडमी सो यू कैन जॉइन एस ऑन अकेडमी एंड स्टार्ट लर्निंग ठीक है ना आप सभी एडुकेटर्स का फायदा उठाओ ये वो एडुकेटर्स है जो इंडिया के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के आप लिए लाए गए हैं प्लस के ज्वाइन के प्लेटफॉर्म में ठीक है सो हाउ टू ज्वाइन अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए बच्चा लोग इंस्टॉल करने के बाद प्लस एक आइकन आएगा लेफ्ट एंड साइड स्क्रीन के इसको सेलेक्ट करो एंड यू कैन सेलेक्ट दिस कोर्स सीबीएससी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ठीक है जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन गो फॉर द गेट सब्सक्रिप्शन फिर आपके पास ऑफर्स आएंगे ना दे विल गेट एन ऑफर कि आपको अलग अलग मंथ्स के पैकेजेस मिलेंगे सो बींग अलेवन्थ स्टूडेंट राइट नाउ आपके लिए बेस्ट रहेगा यू कैन ऑप्ट फॉर एटीन मंथ सब्सक्रिप्शन बिकॉज सर हमारा आधा साल तो खत्म हो चुका है आधा साल ये प्लस ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पूरी कवर करनी है सो एटीन मंथ सब्सक्रिप्शन का प्राइस मेरे सामने विजिबल नहीं है एटलीस्ट यू कैन ऑप्ट फॉर एटीन मंथ्स और यू कैन ऑल्सो गो फॉर द टू ईर सब्सक्रिप्शन बिकॉज अल्टीमेटली इस साल के एंड तक कुछ महीने का आपको लॉस हो सकता है बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम थ्री डेज तो पोस्टपोन होनी है सो यू कैन गो फॉर द टू ईयर सब्सक्रिप्शन जिसका प्राइस पड़ेगा आपको ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ध्यान रखना ये डिस्काउंटेड प्राइस है आपको एक कोड यूज करना है ए के सी लाइफ टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ठीक है एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी वन ईयर सब्सक्रिप्शन राइट ना किसरा हमारा ट्वेल्थ काम हम इस सेमेस्टेश और एक और नया सब्सक्रप्शन ले लेंगे इस छः महीने का सो कैन ऑल्सो ऑफ फॉर वन ईयर सब्सक्रिक्शन जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है फिफ्टीन थाउजेंड एंड आफ्टर यूजिंग दिस अगेन टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको एंड यू कैन यूज दिस कोड ए के सी लाइफ टू गेट डिस्काउंट्स ऑन टेन परसेंट ठीक है सो बच्चा लोग फटाफट डिस्काउंट उठाओ प्लस में आओ ज्वाइन करो पढ़ाई शुरू करो यार लेट मत करो ऑलरेडी वी हैव डन आप बहुत लेट हो चुके हैं इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर अकेडमिक्स राइट नो तो आपको बहुत नुकसान होने वाला बच्चा लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा सो प्लीज़ मेक श्योर आपकी वो लाइफ में आगे के स्ट्रगल को अगर आप चाहते हो कि बहुत आराम से निकले तो प्लीज़ ये दो साल आप मेहनत बहुत जरूर करो बिकॉज ये दो साल आपके फ्यूचर आपके करियर को डिसाइड करते हैं आपके जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपके अकेडमिक्स में इलेवन ट्वेल्थ में उतने ही अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी आप कहीं भी जाओ कोई भी स्ट्रीम पकड़ सकते हो आप आपके पास ऑप्शन रहेंगे अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहा देन यू आर लैक लेफ्ट आउट विथ वेरी 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 लेस ऑप्शंस सो प्लीज़ प्लीज एंड प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस टाइम इस टाइम को बहुत अच्छे से ट्राइज करो यार ठीक so like so है एंड यूज दिस कोड ए के सी लाइफ टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन सो प्लीज़ लाइक एंड दिस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स ये हमारा चैनल है जहाँ डेली बेसिस में आपके लिए यूट्यूब में शानदार से शानदार कंटेंट आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक आते ही रहता है So, भाई इसका फायदा उठाओ यूज करो यार ठीक so, है सो हमारे और भी चैनल्स चैनल हैं है सभी चैनल हैं जो अकेडमिकली हर दिन कुछ ना कुछ आप लोग ला रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर आप इन सभी चैनल्स को ज्वाइन कर लें एंड सो लेट्स टेक अ बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड ए के सी लाइफ इट इज अभय खेडिया केमिस्ट्री लाइफ ठीक है ना आपको याद कराना चाह रहा हूं सो इट इज अभय खेडिया केमिस्ट्री एंड दिस वन इज लाइफ सो यूज दिस कोर एंड गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन यर सब्सक्रिप्शन सो बच्चा लोग बाय बाय टेक केयर एवरी वन एंड हैव अइस डे एंड प्लीज मेक श्योर आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आ चीजों को बिकॉज राइट नॉ वी ऑन द चैप्टर अब हम चैप्टर के कोर में एंटर कर चुके हैं थ्योरी वी हैव कम्पलीटेड नॉ इन द चप्टर कोर ऑफ दिस चैप्टर सो प्लीज मेक श्योर आप रिवाइज करके आजों को ठीक है चलिए बाय बायरी टेक केयर हैवे अ